हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल द फालू में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बताने जा रहे हैं गैस भट्टी कैसे फिटिंग करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे आपने देखी होगी, कई लगन प्रसंग हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो इस भट्टे की ज़रूरत पड़ती है। ये 12x12 की साइज है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये काफ़ी ठोस और काफ़ी मजबूत एक भट्टी है। इसका काम ज़्यादा अगर खाना बनाना हो या ज़्यादा कोई मेहमानों का खाना बनाना हो या शादी ब्याह हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको फिटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। सबसे पहले आप परचेज करो तो ये देखने का भट्टी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सलिए वगैरह मजबूत होने चाहिए ताकि ये टिकाऊ और व्यवस्थित रहे। उसको फिटिंग करने के लिए सबसे पहले अपन को एक ज़रूरत पड़ती है ऐप वाल की। ये ऐप वाल भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। देखो, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आप, TMC का है, अच्छा क्वालिटी का ऐप वाल है। ये क्या कम ज़्यादा करने या ऑफ ऑन का काम करता है। फिर ज़रूरत पड़ती है अपन को एक रेगुलेटर की। जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो कि हमारे पास है एक रेगुलेटर। ये पूरा खोल के बताएंगे हितेश भाई, ये पूरा खोल के बताइए रेगुलेटर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये रेगुलेटर है, ये इंडियन HP भारत में किसी में भी बैठ जाएगा। ये अच्छी क्वालिटी का, ये ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए और लगाने के बाद में इस चीज़ का ध्यान दे, ये लीकेज ना हो। और दूसरा है ये पाइप। ये पाइप की लंबाई लगभग 5-6 फीट है, क्योंकि थोड़ी लंबाई होती है तो कहीं दूर भी बना सकते हो, पास में रखने की इतना ज़रूरत नहीं। ये अच्छी क्वालिटी की पाइप है, काफ़ी लंबाई भी है। ये हाइड्रोलिक पाइप है, जैसे कि खोल के बताइए। कभी भी लो तो ऐसी हाइड्रोलिक पाइप ही लेनी ताकि लीकेज फिकेज की समस्या नहीं रहे। सादी पाइप नहीं लेने की, क्योंकि इसका डेली काम पड़ता है और अच्छी क्वालिटी होगी तो लीकेज फिकेज की कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। उसके बाद में अपन को एक ज़रूरत पड़ेगी एक टेप्लॉन टैप की। ये जैसे लीकेज वगैरह की समस्या हो, कहीं से ढीला हो तो उसको फिट करने के लिए काम आती है। एक टेप्लॉन आपके पास, अगर भट्टे का काम करते हो तो एक टेप्लॉन टैप होनी आवश्यकता है। और उसको फिट करने के लिए एक पकड़ होगी, पकड़ को बता जिसके हर घर में होती है, ये पकड़ की ज़रूरत पड़ेगी। और दो पाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये दो पाना है उनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये फिटिंग अच्छे से हो जाए। और हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी आपको बताएंगे कि फिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले टेप्लॉन टैप पर हम पट्टी लगाएंगे। टेप्लॉन टैप ये ऐप वाल पे हम टेप्लॉन टैप लगा रहे हैं। ऐप वाल पर टेप्लॉन टैप लगा देंगे। जैसे कि आप वीडियो में लगा रहे हैं वैसे वैसे लगाते जाने का है। थोड़ा पास लाइए ताकि कस्टमर को पता चल जाए ये भाई लगा रहा है। वैसे वैसे आपको टेप्लॉन टैप के 4-5 आटे लगाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपके पास एक नोजल होना चाहिए जो 85 नंबर का रहेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये 85 नंबर का नोजल है, उसको गैस के आगे हम फिटिंग कर देंगे ताकि गैस एकदम प्रेशर काफ़ी अच्छा रहे। इसको सबसे ऐप वाल के आगे हम फिटिंग करते हैं। ऐप वाल होगा उसके आगे हम फिटिंग करेंगे, जैसे कि वीडियो में कर रहे हैं। ये घड़ी की दिशा में फिटिंग हो जाएगा, घड़ी की जैसे घूमती है उस दिशा में सिंपली फिटिंग हो जाएगा। उसको पकड़ की सहायता से हल्का सा टाइट कर दे, जैसे कि कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करते जाने का है। हाँ, बस ये टाइट हो गया अभी। और ये हम इसमें भट्टे में पूरा सेटअप कर देंगे, या आपको पूरा सेटिंग करने का है। देखेंगे आप पूरा सेटिंग हो रहा है, जैसे घुमाते जाएंगे ये फिट होता जाएगा। जैसे जैसे घुमाएंगे ये पूरा एकदम पूरा टाइट करने का है। फिर ज़्यादा टाइट नहीं हो तो पेचिए से हल्का सा टाइट कर देंगे। पेचिया पड़ा है उसे इस भाई टाइट करिए थोड़ा, या पेचिए से, ये छोटे वाले पेचिए से हम पूरा एकदम इसको पीछे से टाइट कर देंगे। पूरा पेचिए से हम टाइट कर देंगे, जैसे कि ये ऐसे ग्रिप रहेगा और पूरा ऐसे टाइट कर देंगे। ये पूरा टाइट हो गया बस। उसके बाद में अपन को ज़रूरत पड़ेगी टेप्लॉन टैप की, क्योंकि ये टेप्लॉन टॉप को या फिटिंग करना पड़ेगा। दूसरा साइड जहाँ से अपना पाइप जॉइंट होगा वहाँ अपन टेप्लॉन टैप की सहायता से इसको जॉइंट करेंगे। टेप्लॉन टैप लगाइए हितेश भाई। ये भाई जैसे टेप्लॉन टैप लगा रहा है वैसा का वैसा आपको टेप्लॉन टैप लगाने का है। टेप्लॉन टैप लगा रहा है वैसे आपको टेप्लॉन टैप लगाने का, लीकेज विकेज की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये पूरा फिटिंग कर दिया हमने। हाइड्रोलिक पाइप अपन यहाँ जॉइंट करेंगे जहाँ टेप्लॉन टैप लगाए। ऐप वाइल का दूसरा चीरा होता है वह हम पूरी अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। हितेश भाई इसको अच्छी तरह से टाइट कर दे, या हाथ हटा दो थोड़ा ताकि वीडियो एकदम कंप्लीट आ जाए।
और अभी पाना से हल्का सा टाइट कर दे ताकि लीकेज की समस्या इसमें नहीं रहे। इसको पाने से, बड़े पाने की सहायता से इसको से हल्का सा टाइट कर दे। ये टाइट एकदम कंप्लीट होना चाहिए ताकि लीकेज विकेज की समस्या नहीं आए। बस इस तरह से अपना एफ पट्टी के साथ एफ वाल और पाइप का कनेक्शन हो गया है। अभी देखेंगे पाइप का दूसरा सिरा, जैसे कि मेरे हाथ में है, उसको रेगुलेटर के साथ जॉइंट करना पड़ेगा ताकि गैस यहाँ से पास हो जाए। इस पर भी टेफ्लॉन टैप लगाना पड़ेगा। ये रेगुलेटर पड़ा, इस पर आपको सबसे पहले तो टेफ्लॉन टैप लगाना है, और जैसे कि आगे लगाया वैसे ही टेफ्लॉन टैप लगाने का है। आपको राउंड राउंड घुमाते जाने का, टेफ्लॉन टैप लग जाएगा। ये टेफ्लॉन टैप लग गया है और पाइप का दूसरा सिरे को हम फिटिंग करेंगे। ये देखो रेगुलेटर पे भी टेफ्लॉन टैप लग गई है। अभी इसको फिटिंग कर देंगे। इधर पर इसको फिटिंग कर दीजिए। पाइप का दूसरा चिरा है उसको हम पूरा फिटिंग कर देंगे। जैसे कि अपन वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से पूरा हम फिटिंग कर लेंगे और पानी की सहायता से इसको भी टाइट कर देंगे जिससे लीकेज फिकेज की समस्या नहीं रहेगी। ये वीडियो में करता जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे आपको करता जाना। इस तरह से आपका पूरा ये फिटिंग हो जाएगा और लीकेज की भी समस्या नहीं रहेगी। ये पूरा फिटिंग कर दिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये भट्टा पूरा तैयार हो गया है। अगर ये भट्टी पूरी कंप्लीट तैयार हो गया है, इस तरह से आपको कोई भी काम हो, कोई भी ज़रूरत हो, अगर कुछ पकवान वगैरह बनाने हैं ज़्यादा मात्रा में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। शादी ब्याह का फंक्शन है तो भी यूज ले सकते हो। आपको यहाँ से लेकर सीधा रेगुलेटर में बिठाना है, ये या ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, या कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी भट्टे को कम्प्लीट और व्यवस्थित सावधानीपूर्वक फिटिंग कर सकते हो। इसका पूरा फिटिंग का श्रेय जाता है हितेश कुमार रायप्रिया को, और मेरा यूट्यूब चैनल द फालू को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।